एक ऐसा सैलून जहां किताब पढ़ने पर मिलता है डिस्काउंट, एक ऐसा देश जहां अभी भी साल 2013 चल रहा है, एक ऐसा देश जहां ABCD एक नाम है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 10, पहली बार हार्ड डिस्क जिसकी स्टोरेज क्षमता 1 GB मतलब 1 GB थी, IBM कंपनी ने 1980 में लॉन्च किया था, जिसका साइज एक रेफ्रिजरेटर जितना था और वजन लगभग 550 पाउंड मतलब 250 किलोग्राम। OMG मतलब 1 GB की हार्ड डिस्क का इतना भार। इसकी कीमत उस समय लगभग $40,000 थी, जो आज के करीब 29,58,000 रुपये के बराबर है। इसकी स्टोरेज पावर 2.52 GB थी और इसका नाम IBM 3380 था। फैक्ट नंबर 9, ऑस्ट्रिच जो दुनिया का सबसे बड़ा पंछी है, का अंडा भी सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा पंछियों में तो सबसे बड़ा होता ही है, पर साथ ही सभी अंडा देने वाले जीवों में भी सबसे बड़ा अंडा होता है। ऑस्ट्रिच के अंडे का एवरेज वेट लगभग 1.6 किलोग्राम होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ा अंडा जो किसी ऑस्ट्रिच ने दिया था का भार 2.58 किलोग्राम है, जो स्वीडन में 2008 में दिया गया था। जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो इसे बॉईल करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक ऑस्ट्रिच के अंडे को हार्ड बॉईल करने में लगभग 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे लगते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये साल कौन सा चल रहा है? अब आप सोचोगे कि ये फैक्ट मे को क्या हुआ। हम सबको पता है कि ये साल 2020 चल रहा है, और भला इस साल को भी कोई भूल सकता है? पर आप मानोगे कि एक ऐसा देश भी है जहां अभी भी साल 2013 चल रहा है। जी हां, साल 2013, और ये देश है इथोपिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इथोपियन कैलेंडर में कुल 13 महीने होते हैं। 13 महीने होने के कारण ही ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 7 या 8 साल पीछे है। ग्रिगोरियन कैलेंडर वह कैलेंडर है जिसे पूरी दुनिया मानती है इथोपिया को छोड़कर, जिसके अनुसार अभी साल 2020 चल रहा है। 11 सितंबर 2020 को इस देश में साल 2013 हुआ है, यानी 11 सितंबर 2019 से 10 सितंबर 2020 तक ये देश 2012 में चल रहा था, मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर से 8 साल पीछे। और अब 11 सितंबर 2020 से इस देश में 2013 हो गया है, इसलिए अब ये 7 साल पीछे है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 11 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक इथोपियन कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 7 साल पीछे होता है, और बाकी पूरे साल 8 साल पीछे। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट क्रिकेट से जुड़ा है। क्रिकेट हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 15 से 19 मार्च 1877 के बीच खेला गया था, जिस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता था। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस मैच में एक ओवर में 6 बॉल्स नहीं थी बल्कि 4 बॉल्स थी, और 1888 तक 4 बॉल्स प्रति ओवर ही हुआ करती थी। फिर 1879 से 1899 तक 5 बॉल्स प्रति ओवर फेंकी जाने लगी। 6 बॉल्स प्रति ओवर का नियम पहली बार 1900 में लगा था और 1938 तक चला। 1946 से अब तक 6 बॉल्स प्रति ओवर ही फेंकी जा रही है। फैक्ट नंबर 6, आज जो हम धरती पर 7 महाद्वीप देखते हैं, वो हमेशा से नहीं थे। आज से करीब 300 मिलियन साल पहले पैलाजोइक एरा के समय धरती पर 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, लेकिन इसकी जगह एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे हिंदी में महामहिम महाद्वीप कहते हैं, था। वैज्ञानिकों ने इसे पेंजिया नाम दिया था। आज जो हम 7 महाद्वीप देखते हैं, वो इसी महामहिम महाद्वीप पेंजिया से अलग होकर बने हैं। उस समय आज के 7 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे और एक विशाल महामहिम सागर से घिरे थे, जिसे पेंथलसा कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, जब लोगों को अपने बच्चों का नाम रखने के लिए कुछ नहीं सूझता, तो वो अपने बच्चों का कुछ भी नाम रख देते हैं। इसलिए शायद ये फैक्ट सुनकर आपको बिलीव ना हो। अभी अमेरिका में 373 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका नाम ABCD है। जी हाँ, लिटरली ABCD। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स में ABCD को एक फीमेल नेम के तौर पर देखा जाता है। 1990 से 2014 तक USA में
328 ऐसे बच्चे थे जिनका नाम ABCD था और वे सब के सब लड़कियां थी। फिर 2017 में 373 ऐसी औरतें थीं जिनका नाम ABCD था और अब मौजूदा में 273 से ज़्यादा ऐसी औरतें हैं जिनका नाम ABCD है। ये नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 5 अक्षर से लिया गया है जिसका कोई और मतलब या ओरिजिन नहीं है। फैक्ट नंबर 4, हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में हैरी पॉटर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता डैनियल रेडक्लिफ ने एक बार 6 महीने तक एक ही कपड़े पहने थे ताकि वो पेपराजी को तंग कर सके। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पेपराजी क्या होता है। पेपराजी वह फोटोग्राफर होता है जो फोटो के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों का पीछा करता है। दरअसल डैनियल रेडक्लिफ पेपराजी से परेशान हो चुके थे क्योंकि वे जहाँ भी जाते पेपराजी उनका पीछा करते, इसलिए उन्होंने यह अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने 6 महीने तक एक ही आउटफिट पहना। वे अंदर से हमेशा अलग अलग टी शर्ट पहन लेते और उसके ऊपर एक ही जैकेट और सेम ही टोपी पहन लेते ताकि पेपराजी यह न देख सके कि उन्होंने अंदर क्या पहना है। इससे पेपराजी उनकी 6 महीने तक फ़ोटो तो ले सकते थे पर वह सब फ़ोटो एक ही दिन की लगती क्योंकि आउटफिट सेम थी। तो जब पेपराजी उन फोटो को बेचता तो वह नहीं बिकता और अनपब्लिशेबल हो जाती। लास्ट 3 फैक्ट से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो मिलियन थैंक्स। फैक्ट नंबर 3, थुट्टीकुडी का सुशील कुमार ब्यूटी हेयर सैलून बाकी सैलून की तरह ही है पर इसे 2 चीज़ बाकी सैलून से अलग बनाती है। पहला, ग्राहकों को सैलून के अंदर फ़ोन का इस्तेमाल करना मना है। अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो सैलून के बाहर जाके बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ आप कोई किताब पढ़ते हैं या उसका रिव्यू करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सैलून के मालिक पुनमरियप्पन ने दुकान में एक बुक शेल्फ स्थापित की है इस उम्मीद में कि इंतज़ार करने के बजाय ग्राहक उन बुक्स को पढ़ सकेंगे। आज उनके कलेक्शन में करीब 900 किताबें हैं। उन्होंने इन किताबों को दुकानों और रद्दी वालों से इकट्ठा किया है। उनका हमेशा सही से सपना था कि वो पढ़े लिखें पर कुछ फाइनेंशियल कारण करके उन्हें स्कूल और पढ़ाई दोनों छोड़नी पड़ी जिसके कारण उन्होंने यह यूनिक आइडिया खोजा। तो अगर आप उनके सैलून में जाते हैं और कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 2, 3 on a match और 3rd on a match इंग्लिश का एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बैड लक या अनलकी। इस मुहावरे का जन्म World War I और World War II के समय फैले एक अंधविश्वास से हुआ था। दरअसल विश्व युद्ध के समय सैनिकों में यह अंधविश्वास था कि अगर 3 सैनिकों ने एक ही माचिस या लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई तो वह तीनों में से एक को मार दिया जाएगा या फिर वह सैनिक जिसने तीसरे नंबर पर अपनी सिगरेट जलाई उसे मार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि जब पहले सैनिक ने अपनी सिगरेट जलाई तो दुश्मन सैनिक ने प्रकाश को नोटिस किया। जब दूसरे सैनिक ने उसी माचिस से सिगरेट जलाई तो दुश्मन सैनिक चौकन्ने हो जाएंगे और अपनी बंदूक से निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे और जब तीसरे सैनिक ने उसी माचिस से अपनी सिगरेट जलाई तो दुश्मन सैनिक गोली चला देगा और उस सैनिक को मार देगा। तभी से ही एक ही माचिस से 3 लोगों का प्रकाश साझा करना अनलकी माना जाता है। इस अंधविश्वास को फिल्म्स और नॉवेल्स ने और फेमस कर दिया। फैक्ट नंबर 1, MRF भारत की एक मल्टीनेशनल टायर निर्माता कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी तो है ही और साथ ही यह दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है। पर क्या आपको MRF का फुल फॉर्म पता है? MRF का फुल फॉर्म मद्रास रबर फैक्ट्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी की स्थापना ट्रिवटूर मद्रास जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है में 1946 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना KM मेमन मैपिलई ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी शुरू में गुब्बारे और खिलौने बनाती थी। इस कंपनी ने 1952 में ट्रेड्स रबर का उत्पादन शुरू किया था और टायर का उत्पादन नवंबर 1960 में शुरू किया था।
जब इसने अमेरिका की एक कंपनी मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। 1967 में यह अमेरिका को टायर निर्यात करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। वैसे MRF टायर्स को छोड़कर एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है, वह है सचिन का बैट। सचिन तेंदुलकर के करियर से भी MRF का गहरा लिंक है। वह लिंक क्या है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा फैक्ट अच्छा लगा यह बताने के लिए कमेंट करें। मैं पहली बार लाइक्स का एम रख रहा हूँ, मुझे इस वीडियो पर 50 लाइक्स चाहिए, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।